बढ़ता भारत उभरता भारत के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज असंभव को संभव कर जटिल बीमारियों को ठीक कर मरीजों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज भारत ही नहीं करीब 19 से ज्यादा देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। भविष्य में इसकी साक्ष्य रिपोर्ट WHO को प्रस्तुत कर इसे भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य लेकर आप भारत को और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का नाम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं। नमस्कार मैम, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका शुभ नाम? सौम्या प्रजापति। कहाँ से आए हैं? रायपुर छत्तीसगढ़। क्या समस्या है आपको? SLA का प्रॉब्लम है। कब से है आपको ये? अक्टूबर 2022 में डायग्नोस। उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करवाया? जुलाई 2023। अक्टूबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच में आपका कहीं और कोई ट्रीटमेंट करवाया? तो वहाँ से आपको कोई फ़ायदा हुआ था? कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, साइड इफेक्ट चल रहा था क्योंकि स्टेरॉइड्स वगैरह चल रहे थे, इसी तरह साइड इफेक्ट हो रहा था। ओके। फिर आयुर्वेदिक ट्राई की हरिद्वार में, उसमें मतलब साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वो लोग बोले कि हम एलोपैथी बंद नहीं करा सकते, तो फिर दोनों साथ में खाई, गर्मी तक खाई थी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हुई तो फिर उसको ही बंद कर दिया आयुर्वेदिक। फिर जब एलोपैथी आयुर्वेदिक सबसे हो गया, फिर सोची कि लास्ट अब सिर्फ होम्योपैथी बचा, वो ट्राई करके देखो। तो ऐसे रैंडमली यूट्यूब में सर्च मारी, सबसे पहले सर का वीडियो देखा, फिर बस मैंने आके यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। ओके। 2023 से आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं? जुलाई 2023 से। अभी तक आपको कितना फ़ायदा हो चुका है? मुझे सर ने जब मैं जुलाई में आई थी तो 1 महीने के लिए दवाई दी थी। पहले बोले वो कि हम ENA को निगेटिव करते जी। तो मैंने स्टेरॉइड को, मैं यहाँ से जाने के बाद सब डॉक्टर तो बोल दिए थे कि ऐसे तुरंत बंद नहीं होगा इसमें, लेकिन जब मैं यहाँ से दवाई लेके गई, मैं स्टेरॉइड जितने भी लोग थे दवाई सबको साइड कर दी थी और तुरंत मैंने ये स्टार्ट किया। सिर्फ 15 दिन ली थी मैंने दवाई, उसके बाद मेरी जो रिपोर्ट थी वो मैंने टेस्ट कराया तो निगेटिव आ गया। उसके बाद से पूरा मतलब ऐसे साल भर होने को आ गया, कोई ऐसा सिम्टम अगर नहीं आया, नहीं आया मतलब 15 दिन में ही आपका ERA नेगेटिव हो गया था। इसलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 दिन में ही आपका नेगेटिव हो चुका था ERA में और अभी आपको 1 साल हो चुका है। 1 साल में अभी तक आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जो रिलेटेड हो SLE या ERA से, और आपको कोई प्रॉब्लम हुई दैनिक दिनचर्या में अपने जीवन में? अभी आप सर से मिलने आएंगे दोबारा से, कैसा लग रहा है सर से मिलने के बाद और क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है सर से, मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। बिल्कुल, क्योंकि आगे अब मेरे को कुछ करते बनेगा, वरना मैं तो सब तरफ से हार गई थी ना। सही बात है। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी, मैं कोई भी डॉक्टर, कोई भी अगर ऐसे पेशेंट मिलेंगे मैं सबको इनको रिकमेंड करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर इतना विश्वास दिखाने के लिए और उसे अपनाने के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और एक स्वस्थ जीवन यापन करें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा पता है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने जंजीरवाला चौराहा न्यू प्लासिया इंदौर।